35,000 की रकम लेते रंगे हाथ पकड़ा गया सहायक पुलिस निरीक्षक, कानून का रक्षक ही बन गया भक्षक। दर्शकों सलाम आदाब नमस्ते, मैं हूँ कैसर रजा हुसैनी और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज नेटवर्क। जब कानून का रक्षक ही भक्षक बन बैठा, लाखों रुपए पगार पाने वाले मुमरा पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी रमेश गंगाराम लायगुड़े ने मात्र 35,000 रुपए के लिए अपना ईमान बेच दिया और 35,000 रुपए की रिश्वत का रकम लेते हुए थाने एंटी करप्शन टीम ने धर दबोचा। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि कल तक दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने वाला पुलिस इंस्पेक्टर आज खुद सलाखों के पीछे जाने को तैयार है। रमेश गंगाराम लायगुड़े की इस कृत से कहीं ना कहीं मुमरा पुलिस की छवि धूमिल हुई है। गौरतलब हो कि एपीआई लायगुड़े द्वारा 498 केस में लिप्त एक आरोपी से मामले को निपटाने के लिए 80,000 रुपए की मांग की थी, जिस पर वो राजी हो गया था और पहले 35,000 की पहली किस्त की बात देने की तय हुई, जिसके बाद फरियादी ने थाने एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया। वहीं एंटी करप्शन के पुलिस अधीक्षक सुनील लोखंडे के मार्गदर्शन में अपर पुलिस अधीक्षक अनिल घेरड़ीकर की टीम ने जाल बिछाकर मुमरा पुलिस स्टेशन परिसर में 35,000 की रकम लेते हुए एपीआई लायगुड़े को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पूरे पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया। वहीं एंटी करप्शन थाने द्वारा इस संदर्भ में प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जो पूरे थाने शहर में सोशल मीडिया पे घूम रहा है। मैं सुल्तान रिज़वी। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज़ नेटवर्क। बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबर के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं, आपका दोस्त भी है। इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाइए। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।